यस बच्चे देखो आप इधर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम बच्चों जरूर लिखा करो जब भी चैप्टर जब भी क्लास स्टार्ट होती है लाइंस एंड एंगल्स और डेट भी डाला करो न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं हमेशा ठीक है लाइंस एंड एंगल में एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 देखो ध्यान से देखो आप इसमें डायग्राम बनी हुई है एक लाइन है बच्चों एक्स और वाई और ओपी आवाज नहीं बच्चों ओपी परपेंडिकुलर लाइन क्लियर और ये एक लाइन है एम एन एम एन और ये एंगल है बच्चों ए और ये वाला एंगल है बी और ये वाला एंगल है बच्चों सी क्लियर और गिवन क्या बच्चों आपको ये 90 डिग्री एंगल है ये गिवन है आपको ए इज टू बी का जो रेशियो है वो 2:3 है तो फाइन सी आपको सी फाइन करना राइट तो आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे कि कैसे हम ये सी फाइन आउट करते हैं मान लो तुम्हारे पास एनसीईआरटी में कुछ भी जो भी एक्सरसाइज था बराबर तुम क्लास वर्क को रिवाइज कर लेते जो मैंने क्लास में पढ़ाया था उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेते पढ़ने वाले बच्चे ना कुछ पढ़ाई करते एक्सरसाइज नहीं देते कोई भी तुम्हारी तरह ए टू बी का रेशियो क्या है 2:3 ठीक है सॉल्यूशन के अंदर ध्यान से देखो आप ए टू बी अगर 2:3 है तो मैं इसको ऐसे लूंगा कि ए मेरे लिए हो गया 2x और बी हो गया मेरे लिए 3x तो देखो आप रेशो में हम दोनों दोनों रेशो जैसे दे रखे होते हैं ना आप इसके साथ भी x लगा दो इसके साथ भी x लगा दो तो a की वैल्यू क्या होगी 2x और b की वैल्यू क्या होगी 3x आप ऐसे कर सकते हो पर दोनों में x x या दोनों में y y दोनों में k k कुछ भी आप लगाओगे दोनों में सेम नंबर लगाओगे याद रहेगी वाली बात अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप अगर ये 90 डिग्री है बच्चों तो बताओ a प्लस b कितना होगा जल्दी बताओ भाई इन ये लीनियर प्लेन एंगल्स है ना इन तीन इनका सब क्या होता है 180 डिग्री होता है लीनियर प्लेन एंगल्स तो a प्लस b प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लीनियर प्लेन एंगल्स 90 को उधर ले जाओ a की वैल्यू पुट कर दो आप 2x b की वैल्यू पुट कर दो 3x और 90 को आप उधर ले जाओ 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 2x और 3x कितना हो गया 5x x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 तो x आपके पास आ गया बच्चों x आ गया तो आपको a भी पता चल गया और b भी पता चल गया बताओ a की वैल्यू कितनी है बच्चों a इज इक्वल टू 2x यानी 2 × 18 तो a इज इक्वल टू हो गया 36 एनी डाउट 36 डिग्री बच्चों डिग्री 36 डिग्री ओके ऐसे बच्चों मुझे b बताओ b इज इक्वल टू 3x तो b इज इक्वल टू 3 × 18 तो कितना हो गया बच्चों b की वैल्यू 54 डिग्री बच्चों राइट अब बोर्ड पर देखो आप ये दोनों लीनियर प्लेन एंगल्स हैं तो b + c क्या हो जाएगा 180 तो हमें c निकालना था ना बच्चों तो आप देखो आप b + c इज इक्वल टू 180 समझ आ रहा है एक लाइन के ऊपर है ना दोनों एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ईशान समझ आ रही बातें b + c क्या हो गया 180 b + c क्या हुआ 180 क्लियर तो आप b की वैल्यू पुट कर दो b की वैल्यू 54 और आप 54 को उधर लेकर जाओ 180 माइनस 54 हाउ मच बच्चों जल्दी बोला करो 126 डिग्री आपका आंसर आ गया अब बताओ क्या है यस बच्चों अब आप देखो आप फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 फोर्थ क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 6.1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line prove that AOB is a line AOB एक line prove करनी है बच्चों आपको AOB is a line line कैसे prove करोगी अगर आप उस line के ऊपर वाले angles का sum 180 degree prove कर दो ठीक है तो देखो बच्चों कैसे diagram देखना बच्चों आप A O B
दिस एंगल इज जेड डब्ल्यू एच ओ और ये एक्स गिवन है आपको और ये वाई गिवन क्लियर। और देखो क्या गिवन है आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये आपको गिवन है बच्चों बोर्ड पर देखो आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है आपको ठीक है। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये आपको गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है AOB इज अ लाइन ये सोचो एक बात बताओ AOB इज अ लाइन का मतलब है अगर मैं ये प्रूव कर दूं इंप्लाइज ये किसका साइड है बच्चों इंप्लाइज अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 यानी W प्लस Z इज इक्वल टू 180 ये प्रूव हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि W प्लस Z 180 डिग्री है तो इसका मतलब है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। समझ आ गई मेरी बात? तो कैसे प्रूव करेंगे बोर्ड पर देखना बच्चों आप सॉल्यूशन के अंदर बताओ इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा इन सब का तो x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 बोर्ड पर देखो आप बाद में नोट करना इन चारों का सम कितना होगा 360। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप हमें w प्लस z निकाल लेना तो अब यहां से x और y खत्म करो कैसे x प्लस y की वैल्यू क्या है तो आप x प्लस y को एक ब्रैकेट में ले लो ओके तो यहां पर मैं लिख सकता हूं w प्लस z यस और नो x प्लस y की वैल्यू पुट कर दो ना यहां पर ये गिवन है ना आपको कि x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z तो जहां x प्लस y है मैंने वहां w प्लस z लिख दिया गिवन है आपको मेरी बात समझ आ रही है राइट। अब w प्लस w कितना हो गया बच्चों 2w z प्लस z कितना हो गया 2z अब 2 कॉमन ले लो आप यहां से तो अंदर क्या आ जाएगा w प्लस z इज इक्वल टू 360 2 से डिवाइड कर दो तो w प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया 180 और आपको यही तो प्रूव करना था राइट। w प्लस z इज इक्वल टू 180 का मतलब है ये कौन सी लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन स्टेप समझ आ गए हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बोर्ड पर देखना आप सभी एक्सरसाइज 6.1 का 6th क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और जेड वाई और क्यू जेड वाई और क्यू ठीक है एंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड ये आपको 64 गिवन है ये गिवन है बच्चों एंगल एक्स वाई जेड आपको गिवन है 64 और ये जो वाई क्यू है ना ये इसको बाइसेक्ट करती है एंगल राइट वाई क्यू बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल जेड ये मैंने सेम सेम कैसे ले लिया इसको पी लेना चाहिए यहाँ पर पी लेता हूँ मैं वाई क्यू लाइन दिस लाइन बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी जेड वाई पी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों दोनों एंगल सेम सेम है ना राइट तो आप AOB लेना चाहते हो या एक्स और एक्स लेना चाहते हो बताओ दोनों एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम है सर एक्स और एक्स वो ज्यादा आसान होगा तो आप इसको भी एक्स बोल दो और इसको भी एक्स बोल दो इसी को बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है दोनों एंगल सेम है समझ गए आप ए ए बोलो बी बी बोलो एक्स एक्स बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर एक्चुअल में एक्स यहाँ पर है ना फिर वो कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे तो आप एक काम करो आप ए ए बोल दो ये भी ए है और ये भी ए है एग्री बच्चो अब लीनियर पेयर एंगल से हो गया भाई लीनियर पेयर एंगल क्या कहता है भाई 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180 64 को उधर ले जाओ तो वे इज इक्वल टू 180 माइनस 64 क्या होता है बच्चों 180 माइनस 64 116 अब आप डिवाइड कर दो कितना हो गया ये 58 डिग्री तो आपसे क्या पूछा गया था एक तो एक्स वाई क्यू बताओ एक्स वाई क्यू एक तो आपसे ये बोला गया था फाइंड एंगल
एक्स वाई क्यू, एक तो ये बताना है और दूसरा आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बताना है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, बोर्ड पर देखो बच्चों आप, एक्स वाई क्यू को देखो, एक्स वाई क्यू एंगल, एक्स वाई क्यू का मतलब है 64 प्लस ए, तो एक्स वाई क्यू का मतलब है 64 प्लस ए, 64 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 58, तो यहाँ पर 58 लगा दिया मैंने। सोल्व करो, एक आंसर आ गया आपका राइट। अब आप यहाँ पर आ जाओ, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा, 360 में से इसको माइनस कर दो, तो 360 में से आप ए को माइनस कर दो, तो 360 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है 58, इसको सोल्व करो बच्चों 302, तो ये भी आपका आंसर है। समझ आ गया। अब 6.2, अब एक्सरसाइज 6.2 में आ जाओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 बच्चों, सबसे पहले बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, यस बच्चों सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ये टू लाइन्स हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी बोलते हैं ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज ए बी सी डी एल एम, एल एम लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, LM line is called transversal line. Right. So LM is transversal line. LM is transversal line. Okay. अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? One two और तीनों दो. One two three four 5, 6, 7, 8, clear? LM transversal line है, तो बताओ 1 और 2 क्या बोलते हैं? Vertical opposite. तो angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angles, vertically opposite angles, ठीक है? Clear? और ये बताओ एंगल 3 और एंगल 4 को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, तो एंगल 3 एंगल 4 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा ये बताओ इन दोनों का सम कितना होगा, 3 और 4 का, दोनों का सम 180 होगा, लिख लो ये बात सारे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम क्या होगा 180। अच्छा 2 और 5 का सम क्या होगा, 180 होगा। ओके 4 और 7 अपोजिट है, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, 4 और 7 इक्वल होंगे। अच्छा ये बताओ एंगल 1 और एंगल 6 को क्या बोलोगे आप, एक्सटीरियर एंगल ऑन ट्रांस एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट एक्सटीरियर एंगल, ओके। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 6 का आंसर क्या आएगा, वो भी 180 आएगा, तो एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 का सम भी क्या आएगा 180 आएगा, क्लियर। और कुछ इसमें बताना है, एंगल 1 और एंगल 7 सोचा जा सकते हैं, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल ऑन द ऑपोजिट साइड, एंगल ये एंगल 3 और, अच्छा एंगल 3 किसके इक्वल, बोर्ड पर देखो बच्चों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर दोनों से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पहले इतनी बातें नोट कर लो सर, जो जो मैंने बोला है सब लिखो रजिस्टर पर, बोर्ड पर इधर देखो आप, एंगल 1 देखो आप, एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों जल्दी बोलो, इधर देखो आप, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है,
एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल है, यस और नो? एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? अरे यार वाली लास्ट क्लास में तो सॉरी थी। एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और 6 प्लस 7 का सम क्या होगा? 6 प्लस 7 180, और एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। देखो बच्चों कैसे, इधर देखना, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, बोलो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है ना? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है या नहीं है? एंगल 2 और एंगल 4 अल्टरनेटिव डिग्री एंगल से यार, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 4 किसके इक्वल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप एंगल 4 की वैल्यू यहां पर पुट करो तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 की। फिर एंगल 2 की वैल्यू एंगल 7 यहां पर पुट करो तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? तो फ्रॉम 1 2 3 आईक्यू लगाओ बच्चों, फ्रॉम 1 2 3 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? फ्रॉम 1 2 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 7 यहां पर पुट कर दो तो एंगल 1 भी किसके ऊपर इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 की। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया बच्चों कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी हुआ। तो 6 और 8 भी इक्वल होंगे, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बच्चों, ठीक है? ओके, जल्दी नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चंस करने हैं। अब बोर्ड पर देखना आप ये भी लिख लो आप, क्योंकि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, मान लो आप किसी क्वेश्चन में ये प्रूव कर देते हो कि एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, इफ एंगल 3 इज इक्वल टू 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपने ये प्रूव कर दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, देन ए बी पैरेलल सी डी, समझ आई मेरी बात? इसको बॉक्स में लिखो, और जरूरी नहीं है कि तुम एंगल 3 और एंगल 5 करो, आप एंगल 2 और एंगल 4 भी कर सकते हो, क्लियर? एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल आप कर सकते हो, तो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। ऐसी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 है, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 है तो भी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पर ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाली स्टेटमेंट पूछ, ठीक है? करो बच्चों जल्दी नोट करो। तो बारे में से कौन मुझे बता सकते हैं कि 1 और 6 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? 1 और 6 यस इक्वल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, 180 होगा, इनका सम 180 होगा, ठीक है? लेकिन पहले हाँ इक्वल नहीं होंगे, पैरेललिटी के लिए टू लाइंस पैरेलल करने के लिए ना सबसे बेस्ट है आप अल्टरनेट एंगल्स इक्वल alternate angles equal put कर दो, angle 3 is equal to angle 5 या angle 2 is equal to angle 4, सबसे best ये वाली statement है, right? तो इसको most important करके box में डालो, most important statement, ये अगर angle 3 angle 5 के equal है तो दोनों lines क्या होंगी आपकी? parallel। अब आप exercise 6.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, टू लाइंस हैं ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, राइट? ये जो एंगल है एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, ओके बच्चों, और ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रहा है और ये एंगल आपको 130 गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि AB प्रूव दैट AB पैरेलल CD, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्रूव करना चाहिए? अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ? आईक्यू लगाओ, एक्स और एक्स प्लस निकालो, एक्स कैसे निकाल सकते हो? लिखो आप सॉल्यूशन के अंदर, आप प्रूफ भी लिख सकते हो
कैसी, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 130। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल, क्लियर क्लियर। और अच्छा वाई और 30 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इन दोनों को इक्वल निकाल, इन दोनों को तो प्रूव करना बेटा इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 130, y इज इक्वल टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स राइट। तो y भी 130 हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, देयरफॉर AB, AB पैरेलल CD। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 6.2 का कंप्लीट हो, राइट डाउन। देखो आप, यस बोलो नहीं बच्चों, आप फोर्थ क्वेश्चन पे चलो, 6.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। डायग्राम बनाते हैं बच्चों, सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, आप फोर्थ क्वेश्चन की डायग्राम लिखना बच्चों। आप एक लाइन तो ये वाली है बच्चों, और एक लाइन ये है, हालांकि तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों की दोनों पैरेलल है ना, ये तो रहे बेटे, पी क्यू ये ऐसे है बच्चों, ऐसे आर, और ये वाला एंगल बच्चों 110 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है बच्चों 130 डिग्री है, और ये एस है बच्चों, यहां पर आप टी ले लो राइट। अब हमें अच्छा ये गिवन है बच्चों, आपको क्या गिवन है, ऐसे लिखा करो गिवन, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन है आपको, और एंगल ये दे रखा है 110 डिग्री, और एंगल ये वाला दे रखा है बच्चों 130 डिग्री, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल QRS, QRS बच्चों सोचो कहां पर होगा, ये वाला एंगल, इसको x बोल दो, दिस x वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड एंगल Q, देखो QRS, समझ आ रहे QRS, इसको x बोल दो, ये x एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें बच्चों ये कंस्ट्रक्शन वर्क आएगा, यस सर, अब आप बोर्ड पर लिखना आप सभी कंस्ट्रक्शन बच्चों, हम करेंगे इसके अंदर, लेट आर के पैरेलल एस टी, बोर्ड पर सबकी नजर, बोर्ड पर लेट आर के पैरेलल एस टी, लेट आर के पैरेलल एस टी, आर के को आप एस टी के पैरेलल ले, क्लियर, तो इन दोनों का ये वर्टिकली, ये वर्टिकली बोलूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसको आप वाई बोल दो, ठीक है, देयरफॉर वाई प्लस 130 इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम 180 होगा, यहां से वाई की वैल्यू निकालो, 180 माइनस 130 तो वाई की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, इट्स ओके, इन दोनों का सम क्या होगा 180, यहां से y की वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री। अब बच्चों बोर्ड पर देखना, PQ और RK पैरेलल है बच्चों, PQ पैरेलल RK, PQ पैरेलल, ऐसा क्यों बच्चों, PQ ST के पैरेलल और ST RK के पैरेलल है, तो PQ RK के पैरेलल है, और अगर ये PQ RK के पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे ये वाला एंगल कौन सा होगा 110 इज इक्वल टू ये वाला एंगल क्या बनेगा x प्लस y, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब y की वैल्यू 50 पुट कर दो आप, 50 को इधर लेकर जाओ इस तरह, तो 110 माइनस 50 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, तो आपसे एंगल QRS आ गया, तो आंसर एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। स्टेप समझ आए, क्लियर हो गया सभी को।